तो गाइस आज फिर से जा रहे हैं बाढ़वान खरीदने के लिए, जो सरप्राइज आप लोगों को बोल रहा था, तो अभी नहीं बोल रहा हूँ क्या है, आप लोग आगे के ब्लॉग में देख लेना क्या है वो चीज़। तो गाइस हम लोग बाढ़वान से आ चुके हैं और सरप्राइज आ चुका है, तो अभी अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं और मेरा भाई अभी शूट करेगा तो उसको कैमरा देते हैं। तो गाइस मैंने ये HP का लैपटॉप ख़रीद लिया है, तो मैंने सेटअप तो कर लिया, फिर आप लोगों के लिए फिर से पैकिंग किया है, क्योंकि सेटअप करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगता है सेटअप में। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। बस मैंने सेटअप तो पहले ही कर लिया था, तो अभी इसका साउंड टेस्ट आप लोगों को दिखा था, मतलब साउंड कैसा है। तो गाइस अभी साउंड प्ले कर रहा हूँ। तो स्किप कर देते हैं। तो अभी इसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं, ये है 144 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और AMD Ryzen 4000 सीरीज का है, मतलब 4600H सीरीज का है। NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti का ग्राफिक्स कार्ड है और यहाँ पर थर्मल कूलिंग भी है, मतलब लैपटॉप हीट नहीं होगा। और 2 फैंस है इसमें, मतलब गेमिंग लैपटॉप है इसलिए 2 फैंस दिया हुआ है। और इसको RGB मतलब जो भी काम करना पड़ता है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप, वो FN मतलब फंक्शन बटन को क्लिक करके ही करना पड़ता है, मतलब फंक्शन बटन को टच करके F5 पे क्लिक करोगे तो RGB ऑन हो जाएगा। तो यही बताना था गाइस, तो अभी मिलते हैं लैपटॉप को बंद करके। तो गाइस मैंने ये बताना भूल ही गया, मतलब इसका एडेप्टर कितना सुंदर है आप लोगों को दिख सकते हैं, मतलब इतना छोटा, मतलब पावर बैंक की तरह है, मतलब ट्रैवलिंग में बहुत इजी वाला है। और ये 150 वाट का चार्जर है, मतलब चार्जर और इसका कॉर्ड, और इसके साथ मैंने और एक चीज़ लिया है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस ये है मेरा HP का गेमिंग माउस G200 और ये मैंने लैपटॉप के पहले ही मंगा लिया था Amazon से, तो इसको खोलते हैं। इतनी छोटी माउस के लिए इतना मैनुअल कौन देता है। तो ये है गाइस, ये है गाइस माउस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको ऑन करते हैं लैपटॉप के साथ लगा के। तो गाइस जो कवर था उसी का भी माउस पैड बनाते हैं, माउस पैड मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं आया। तो गाइस माउस लगाते हैं, उसके पहले लाइट ऑफ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कलर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कैसा लग रहा है। तो अभी कनेक्ट करते हैं मेरा माउस, और यहाँ पर मेरा RGB चल गया। तो माउस का कलर ऐसा ही चेंज होता रहता है और इसका कलर बटन से चेंज होता है, तो मैंने रेडी लगा कर रखा है। तो माउस भी बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और सेंसर भी है यहाँ पर। तो मुझे तो ये माउस बहुत ही अच्छा लगा, ग्रिप में भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग अगर गेमिंग माउस खरीदने के लिए सोच रहे हो तो मतलब HP गेमिंग माउस G200 खरीद सकते हो, क्योंकि अच्छा लैपटॉप ही है, मतलब अच्छा माउस है, मतलब लैपटॉप खरीद लिया इसीलिए लैपटॉप बोल रहा हूँ सब कुछ, तो कुछ भी नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग माउस खरीद सकते हो, ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस ये बैग मिला है मुझको इस HP लैपटॉप के साथ। तो गाइस ये लैपटॉप कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज़। और
ये लैपटॉप मेरे को सजेस्ट किया था मेरे भाई ने, सोमिक ने, तो उसको थैंक्स ज़्यादा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, मतलब इस रेंज में बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आप लोग भी ख़रीदने के लिए सोच रहे हो तो खरीद सकते हो लैपटॉप और माउस। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दो। 200 सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं हुआ है गाइस, जल्दी से जल्दी कर दो। आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए 200 सब्सक्राइबर्स तो बनता है ना, क्या बोलते हो भाई, बनता है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।